हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये है मेरे एक पेशेंट, मेरे दोस्त हिमांशु की। हिमांशु इस दुनिया में नहीं है अब। आज से ठीक एक साल पहले इसका मर्डर हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को 20 साल से जानते थे और हमारे बीच कौन सा रिलेशन था हमें नहीं पता, पर हम दोनों एक दूसरे से दिल से अटैच थे। वो मुझे गुरुजी बुलाता था, मैं बोलता था मुझे गुरुजी मत बुलाया करो यार, पैर छूता था मेरे, बोलता था नहीं सर आप में कोई बात है। क्या बोलूँ, तुम तो अब जा चुके हो हिमांशु। और ये रात देख रहे हैं आप कितनी डरावनी है, कितना अंधेरा है यहाँ पर। ऐसी वो रात थी जिस रात मुझे ये कॉल आया उसकी वाइफ का कि हिमांशु का मर्डर हो गया। क्या बोलता, मैं शॉक में था। मैं उससे ठीक 3 दिन पहले वो मुझे किसी से मिलवाने ले गया था। मुझे बोलता था सर आपको स्टार बना के छोड़ूंगा, आप में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको स्टार बना सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हेल्प की जरूरत है, मैं आपको मिलवाने ले जाऊंगा किसी शख्स के पास, एक सेलिब्रिटी के पास। वो मुझे लेकर गया, रात को 1 बजे हम वापस आए और मुझे स्माइल दे के चला गया। बोलता सर कल मिलते हैं। अगले दिन मैं उसको फ़ोन किया, एक बार फ़ोन किया, दो बार फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिला। मैंने उसकी वाइफ को फ़ोन किया तो उसने बताया सर डॉक्टर साहब हिमांशु मिसिंग है। ओह माय गॉड। हिमांशु पुलिस के लिए काम करता था, एक इन्फॉर्मर था, साथ में अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस भी करता था, डरता नहीं था किसी से। और मैं उसको बोलता था हिमांशु ये काम छोड़ दे, ये बहुत ख़तरनाक काम है, लेकिन बोलता था सर 2018 में छोड़ दूँगा, नए साल पे छोड़ दूंगा सर, नया साल मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्या बोलूँ, वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। उस रात भी मुझे बोलता है सर आपकी कार ठीक करा के दूंगा सर। मुझे क्या पता था, हम लोग सोचते कुछ हैं होता कुछ है। ये रास्ते आप देख रहे हैं, ये रास्ते कभी इनमें लाइट आती है, कभी अंधेरा हो जाता है। ये ज़िंदगी भी ऐसी है दोस्तों, कब क्या हो जाए पता नहीं, कब अंधेरा होगा कब रोशनी होगी। हम सब प्लान बनाते रह जाते हैं लेकिन होता कुछ और है। ऐसी कहानी हिमांशु की थी मेरे साथ। हिमांशु जा चुका है लेकिन उसके साथ बिताए हुए वो पल हमेशा याद रहेंगे। और वो पता नहीं क्यों हमारा कितना अटैचमेंट था मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर सुख दुख में वो मेरा साथी था। मुझे जब भी कोई बात होती थी मैं उसको कॉल करता था। सब पूछते थे आप हमेशा हिमांशु को कॉल क्यों करते हो, ऐसा क्या हिमांशु में। मैंने कहा मुझे नहीं पता है उसमें ऐसा क्या है, लेकिन वो सोतालों की एक चाबी था। कोई भी काम होता वो मेरे काम आता था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती मैं उसको फ़ोन करता था। लेकिन अब तो ये सिर्फ अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, बस यही ज़िंदगी का नाम रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसको खो दूंगा, ना मैं स्टार बन पाया ना तू मुझे मिल पाया दोस्त, बिना बताए चुपके से गायब हो गया तू। लाइफ ऐसी है दोस्तों, इसीलिए इतना भी मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होगा। सोचता हूँ कभी कभी उसकी वाइफ उसके बच्चे के लिए रात तो अभी भी अंधेरी है, मैं तो नए साल में चला गया, दूसरों के लिए नया साल आ गया, लेकिन उन दोनों के लिए कितना अंधेरा होगा अभी आने वाले टाइम में। प्रे करता हूँ भगवान से तुम जहाँ भी हो खुश रहो और तुम्हारी फैमिली भी खुश रहे, बस मैं यही प्रे कर सकता हूँ। और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उस जगह पर जहाँ हम लोगों ने मीटिंग करी थी, और वहाँ एक पुलिस पॉकेट थी जहाँ उसने मेरी गाड़ी पार्क कराई और बोलता है सर आप अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करो, आप मेरी गाड़ी से चलना, आप क्यों कष्ट करते हो अपनी गाड़ी को ले जाके। ऐसा था वो, हमेशा उसको दूसरों की लगी रहती थी हमेशा। और मैं दिखाता हूँ उसने कहाँ मेरी गाड़ी खड़ी करी,
और उसके बाद क्या हुआ वो भी बताता हूँ। ये देखिए, ये सामने पुलिस पॉकेट बनी हुई है, यहाँ उसने मेरी गाड़ी रुकवाई और बोलता है चलो सर मेरी गाड़ी में चलो, और जब वापस आए तो यहीं पर ही, तो बोलता सर इस गाड़ी को चेंज करो, ये डेंट हो गया, मैं इसको ठीक करा के देता हूँ। लेकिन लेकिन मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, आखिर उस रात हुआ क्या था, उस रात नहीं उस रात के बाद क्या हुआ था। उस रात के बाद नेक्स्ट डे वो इसी रोड पर आ रहा था, ये स्टोरी हमें पता चली है। इस रिंग रोड पे उसने एक शराब की दुकान से शराब खरीदी और शराब खरीदने के बाद उसको एक कॉल आई और उस कॉल कहाँ से थी, वो थी एक पुलिस स्टेशन से। पश्चिम विहार की साइड में कोई पुलिस स्टेशन था जहाँ से कॉल आया, ये वहाँ पर जाता है। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, उसके बाद वो गायब हो गया और फिर ये खबर आई कि उसका मर्डर हो गया नांगलोई की साइड में, मर्डर हुआ, मार के फेंक दिया गया। और मारने वाले भी कुछ जान पहचान के लोग थे जिन्होंने उसको मारा। मेरा दोस्त तो गया ना, कितना समझाया उसको ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन वो सुनता नहीं था, शराब भी पीता था, उसके लिए भी मना करता था, मत पी, तुम्हें डायबिटीज़ है, तुम्हें बीपी है, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन वो सुनता किसी की नहीं था, उसने कभी किसी की नहीं सुनी थी। मैं तो खो चुका हूँ उसको, और बाकी लोगों से बोलता हूँ सावधान रहिए, ये दिल्ली है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अपना दोस्त खो चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपने किसी दोस्त को खो दें, उन्हें समझाएं और इन रिस्क भरी ज़िंदगी से दूर रहें जितना हो सकता है। कुछ की तो मजबूरी होती है जैसे हिमांशु की थी, लेकिन मुझे समझाने का समय ही नहीं मिला उसको, शायद मैं उसको निकाल देता। अब क्या करूं, अब तो वो जा चुका है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बट बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। तू क्यों चला गया हिमांशु बिना बताए, तूने तो वादा किया था यार मुझे स्टार बनाएगा, पूरा एक साल हो गया। मैं अभी स्टार नहीं बन पाया दोस्त, अभी भी तेरी याद आती है, जब भी कुछ नया करता हूँ तो हमेशा तेरी याद आती है। एक तू था जो बोलता था डॉक्टर साहब आपको स्टार बना के छोड़ूंगा, तू तो खुद ही गायब हो गया यार, खुद ही स्टार बन गया ऊपर जाके। दोस्तों ये लाइफ ऐसी है, कब क्या हो जाए पता नहीं,
तो जो भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं और दिल से जुड़ते हैं उनको कभी मत भूलो, उनको कभी मत जाने दो। कुछ गलत बोल दो तो सॉरी बोल दो, क्योंकि दोस्ती पहले है, बाकी सब बाद में। चलो दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है और मैं उसको नहीं बुला पाऊंगा, कभी नहीं बुला पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। जब जब कुछ नया करूंगा हमेशा तुझे याद करूंगा हिमांशु, हमेशा याद करूंगा। आई मिस यू, आई रियली मिस यू। बाय दोस्त, बाय। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, बस यही प्रे करता हूँ।